जय माता दी। कहाँ से आए हो आप? मोलचक से। मोलचक हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। कब आए थे आप सिमसा माता के मंदिर में? 12 साल पहले आए हुए थे। क्या फल दिया था? पपीता दिया था। पहले भी कुछ बच्चा था आपका? नहीं था। फिर मंदिर में आए आप, माता रानी ने फल दिया पपीता, फिर क्या बच्चा हुआ? कैसे क्या हुआ? उसके बाद लड़की हुई। अच्छा जी, उसके बाद लड़का हुआ। अच्छा, पहले लड़की हुई, फिर लड़का हुआ, फिर वो नहीं रहा। उसके बाद फिर लड़की हुई, उसके बाद फिर लड़का। अच्छा, आज उसके बाद फिर लड़की हुई, आज फिर लड़का हुआ। देखो माता रानी का अद्भुत चमत्कार। पहले इनके घर में माता रानी ने पपीता दिया था और लड़की हुई, लड़की के बाद लड़का हुआ जो किसी वर्ष नहीं रहा, फिर लड़की हुई, फिर लड़का हुआ। देखो माता का अद्भुत चमत्कार। ये माता रानी के बच्चे हैं और हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। किस पुजारी के पास आए थे? प्रहलाद पुजारी जी के पास आए हुए थे। ये पहले भी प्रहलाद पुजारी के पास आए थे, आज भी उनके पास आए हैं। उनकी मंदिर में आज ड्यूटी लगी हुई है, पुजारी जी हैं वो। तो आगे के लिए आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? इनका कहना है भाई, जैसे हमारे घर माता रानी ने बच्चे दिए, वैसे सभी आए और सभी को माता रानी ने संतान, औरतों को सबके घर में संतान हो, सुख प्राप्ति पाए। कितनी बड़ी यात्रा लेके आए हुए हैं। देखो माता रानी को जो फल मिला है उसका धन्यवाद करने आए हुए हैं और ये पपीता लेके आए हुए हैं माता रानी के पास। आपने माफ़ी मांगनी है माता रानी, जो आपने हमें फल दिया था वो आज हम चढ़ा के जा रहे हैं और हमारे बच्चों को शांति सुख शांति बनाए रखना और उनको पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना। बोलो सिमसा शारदा माता की जय, संतान दात्री माता की जय, शारदा माता की जय। चलो जय माता दी।